हाय दोस्तों, मैं विजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इस समय मार्केट में 5 IPO खुले हुए हैं। इन 5 IPO में से आपको कौन से IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए और हम यहाँ पे 5 IPO की डिटेल देखने वाले हैं और कौन से IPO के अंदर कितना GMP चल रहा है, आपको कौन से में कितना परसेंट का रिटर्न मिल सकता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट IPO कौन सा रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इन IPO में पैसे लगाने वाले हैं तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आप कोई गलत IPO के अंदर पैसे ना लगा दो, ताकि उसके अंदर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे। क्योंकि इस समय 5 IPO है उपलब्ध, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास लगाने के लिए और इन 5 में से एक IPO हमारा बेस्ट IPO और एक IPO ऐसा है जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन बिल्कुल भी नहीं। अब जो पहला IPO है, क्योंकि ये 21 तारीख को खुल गया था और 23 को यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो सबसे पहले हम इसी IPO के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इरेडा का ये IPO है, 21 नवंबर को खुला है, 23 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। जो इसकी फेस वैल्यू है वो ₹10 प्रति शेयर की फेस वैल्यू है। जो प्राइस बैंड रखा गया है इरेडा ने वो ₹30 से लेकर ₹32 प्रति शेयर का रखा गया है। तो आपको इस IPO में लगाना है तो मैक्सिमम प्राइस जो बिट है वो ₹32 पे लगानी है, तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। एक लॉट के अंदर 460 स्टॉक है, तो इसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लॉट वाइज अप्लाई करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, 5 IPO खुले हुए मार्केट में, तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट मिलने वाला होगा तो सिर्फ एक ही लॉट के अंदर अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इरेडा के GMP की बात कर लेते हैं कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसको हम यहाँ पे GMP कहते हैं, वो इसका चल रहा है यहाँ पे ₹7 प्रति शेयर का GMP चल रहा है। इश्यू प्राइस है अपना ₹32 का और ₹7 इश्यू प्राइस चल रहा है। इसके हिसाब से देखें तो इरेडा के अंदर आज की डेट के हिसाब से आपको यहाँ पे 22% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस IPO के अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए और हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा IPO एक नंबर पर रहेगा, कौन सा दो नंबर पर रहेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इरेडा के IPO के अंदर आपको जरूर अप्लाई करना है लगभग 20% के आसपास के लिस्टिंग गेन के लिए। सेकंड IPO जो खुला हुआ है मार्केट में, वह है फ्लेयर राइटिंग का, और फ्लेयर राइटिंग पेन वगैरह बनाने का काम करती है। ये IPO 22 तारीख को खुला है और ये 24 नवंबर को IPO ओपन क्लोज हो जाएगा। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹5 प्रति शेयर की रखी गई है। अब अगर हम प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड है वो ₹288 से ₹304 रखा है। तो देखिए फिर से वही बात है, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैक्सिमम प्राइस से बिट पे लगाना, ₹304 पे आपको बिट लगानी है तो ही अलॉटमेंट मिल पाएगा, वरना अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला। अगर हम इसके लॉट साइज़ की बात करते हैं तो 49 शेयर का एक लॉट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक लॉट के अंदर ही निवेश करिए, बाकी पैसों को जो और IPO खुले हुए हैं इस समय उन पैसों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो NSE BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर अपने फ्लेयर राइटिंग की यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। और अगर हम यहाँ पे GMP की बात करते हैं कि इस समय फ्लेयर राइटिंग का GMP कितना चल रहा है, तो यहाँ पे ₹60 प्रति शेयर का फ्लेयर राइटिंग का GMP चल रहा है, ₹60 प्रति शेयर का। तो इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे लगभग हमको 20% का लिस्टिंग गेन इस IPO के अंदर मिल सकता है। और फंडामेंटल भी कंपनी का अच्छे है, लॉन्ग टर्म के लिए भी फ्लेयर राइटिंग का स्टॉक ठीक है। तो यहाँ पे इरेडा के अंदर 22% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल रहा था हमको, लेकिन यहाँ पे फ्लेयर राइटिंग के अंदर 20% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। और जो GMP है, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, अभी हो सकता है इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को भी मिल जाए, और अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो GMP के अंदर हमको गिरावट देखने को भी मिल सकती है। तो ये जो 20% के रिटर्न मिल रहे हैं वो आज की डेट के हिसाब से हमको फ्लेयर राइटिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। चौथा IPO है जो इस समय मार्केट के अंदर खुला हुआ है, वो है गंदार ऑयल रिफाइनरी इंडिया का, और ये भी IPO आज ही खुला है और इसकी भी क्लोजिंग यहाँ पे 24 तारीख को है। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹2 प्रति शेयर की रखी गई। अभी आपने देखा हुआ इरेडा की ₹10 प्रति शेयर थी, और इसके बाद आपने देखा फ्लेयर राइटिंग की ₹5 प्रति शेयर थी, लेकिन यहाँ पे गंदार की ₹2 प्रति शेयर है। और जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है वो यहाँ पे ₹160 से लेके ₹169 का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। तो आपको 169 के ऊपर ही बिट लगानी है मैक्सिमम प्राइस पे। और अगर हम लॉट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे 88 शेयर का एक लॉट है, और यहाँ पे इसकी भी NSE और BSE दोनों के ऊपर हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके GMP की, गंदार ऑयल रिफाइनरी का GMP इस समय कितना चल रहा है, तो जो मैक्सिमम प्राइस है ₹169, और यहाँ पे अगर मैं GMP की बात करता हूँ
तो गंदार ऑयल रिफाइनरी का 55 रुपये का GMP चल रहा है, 55 रुपये प्रति शेयर का GMP चल रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे गंदार ऑयल के अंदर लगभग 33% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो अभी इरेडा से फ्लेयर राइटिंग से दोनों से अच्छा लिस्टिंग गेन हमको गंदार ऑयल रिफाइनरी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस IPO के अंदर भी आपको जरूर पैसे लगाने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे IPO के बारे में, वो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का, और ये भी IPO 22 तारीख को खुला है, 24 को ये IPO क्लोज हो जाएगा। इस IPO की जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। प्राइस बैंड है इसका 133 रुपये से लेके 140 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे प्राइस बैंड है। और अगर मैं लॉट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 107 स्टॉक का एक लॉट है। और यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल के यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं तो आपको 10 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर हम आज की डेट के हिसाब से यहाँ पे GMP की बात करते हैं, भैया फेड बैंक फाइनेंशियल का यहाँ पे GMP कितने रुपए चल रहा है, तो इसका जो GMP चल रहा है सिर्फ 5 रुपये GMP चल रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो इस IPO के अंदर लगभग फ्लैट के आसपास हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और सिर्फ अगर मैं लिस्टिंग की बात करता हूँ कि कितने परसेंट का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो वो सिर्फ 4% का यहाँ पे GMP के हिसाब से मिल रहा है। हो सकता है अभी भी GMP के अंदर यहाँ पे हमको बढ़ोतरी देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि अभी भी इस GMP के अंदर हमको गिरावट देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने 4 IPO के बारे में बात करी है, इन चारों के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि फेड बैंक फाइनेंशियल IPO में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने हैं, इस IPO से आपको दूर रहना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इससे अच्छा है कि जो 15,000 रुपये आप लगाओगे ना, और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉट है ना, मतलब रिटेल के लगभग 2,00,000 रुपये के आसपास निवेश कर सकता है, तो अगर आप वो भी लगा दोगे ना तो आपको पूरा की पूरा अलॉटमेंट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम यहाँ पे 14,980 रुपये चाहिए और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, 1,94,740 रुपये। अगर आप यहाँ पे 13 लॉट के लिए लगा दोगे ना तो इसमें आपको पूरा की पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शायद ये IPO पूरा सब्सक्राइब ही ना हो, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा फेड बैंक फाइनल से IPO से बिल्कुल भी दूर रहिए, है ना, इस IPO में आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने। अब हम चलते हैं अपने अंतिम IPO पे, जो सबसे ज्यादा धमाका कर सकता है, वो है टाटा टेक का। आज का अंतिम वह पांचवा IPO है, वो है टाटा टेक्नोलॉजी का, और सबसे ज्यादा IPO जो चर्चित है वो यही IPO, क्योंकि इसके अंदर मिलने वाली है बम्पर लिस्टिंग। अगर हम बात करें, आज ये 22 तारीख को खुला है, 24 को ये IPO क्लोज हो जाएगा। इसकी जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये प्रति शेयर की रखी गई है। जो प्राइस बैंड रखा गया है 475 रुपये से लेके 500 रुपये का यहाँ पे प्राइस बैंड है। और जो लॉट रखा गया है वो 30 स्टॉक का एक लॉट रखा गया है। यहाँ पे स्टॉक की NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिलेगी हमको। और अब बात करते हैं इसके GMP की, तो भैया कितना GMP चल रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप शेयर होल्डर कोटा, मतलब अगर आपने 13/11/2023 से पहले अपने अगर टाटा मोटर DVR के स्टॉक ले रखे हैं, तो आप यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के अंतर्गत निवेश करना, ताकि आपको जो अलॉटमेंट मिलने के चांस है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेन चीज़, जो GMP, भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है इस स्टॉक का। तो यहाँ पे पहले 300 रुपये चल रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से यहाँ पे जो GMP है वो बढ़ के 350 रुपये हो चुका है। अगर हम 350 रुपये के हिसाब से देखें, भैया 500 रुपये का इश्यू प्राइस है, इसके हिसाब से देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी के IPO के अंदर इस समय 70% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। और ये जो लिस्टिंग गेन है, हो सकता है अभी भी इसके अंदर और भी ज़्यादा बढ़त देखने को मिले, हो सकता है कि ये डबल यहाँ पे लिस्ट भी होता हुआ नजर आ सकता है टाटा टेक्नोलॉजी का। अंदर हमने 5 IPO के बारे में बात करी है, तो अब मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एक नंबर का सबसे पहले आपको IPO लगाना है, जो मेरी सबसे ज़्यादा पसंद है, वो अपने पास में यहाँ पे टाटा टेक का IPO है। टाटा टेक के IPO में बिल्कुल भी मिस मत करना। जितने भी आपके पास परिवार में डीमैट अकाउंट है, सभी से आपको इस IPO के अंदर अप्लाई करना है। सेकेंड नंबर का जो IPO निकल के आता है इस समय रिटर्न के हिसाब से देखें, तो वो अपने पास में गंधार ऑयल रिफाइनरी का आता है, क्योंकि यहाँ पे 33% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तीसरे नंबर पे लेके आएंगे तो हम यहाँ पे इरेडा का लेके आएंगे, क्योंकि इरेडा के अंदर लगभग 22% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। चौथे नंबर पे जो IPO है वो अपना निकल के आएगा यहाँ पे फ्लेयर राइटिंग का, फ्लेयर राइटिंग के अंदर 20% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और जो पांचवा जो IPO था फेड
बैंक का, उस आईपीओ के अंदर आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो इस तरह से, क्योंकि हमने जब कल लाइव आए थे तो सभी लोग पूछ रहे थे कि कौन से आईपीओ के अंदर निवेश करना है, तो ये मैंने अपने आईपीओ के नंबर बता दिए। एक नंबर पे टाटा केमिकल रहेगा, दो नंबर पे गंधार ऑयल रहेगा, तीन नंबर पे इरेडा रहेगा, चौथे नंबर पे फ्लेयर राइटिंग रहेगा और पाँचवें नंबर पे फेड बैंक है, जिसके अंदर तो बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। तो इस तरह से आप जैसी आपकी कैपिटल है, अगर आपके पास में कैपिटल है कि आप लगभग चारों आईपीओ के अंदर निवेश कर सकते हो, तो चारों के अंदर आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। मैं मेरी बात करता हूँ तो मैंने चारों आईपीओ के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और अब वाइफ के अकाउंट से भी चारों आईपीओ के अंदर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एक है मेरे पास टाटा मोटर के स्टॉक हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने जो शेयर होल्डर कोटा के अंतर्गत भी यहाँ पे अप्लाई किया और इंडिविजुअल भी अप्लाई किया है। तो आप दोनों के अंदर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास में पैसे सीमित है कि बेस मेरे पास तो 15,000 रुपये है, तो मुझे कौन सी आईपीओ के अंदर निवेश करना चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूँगा टाटा टेक के आईपीओ के अंदर ही निवेश करना है। तो लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।